ये देखो हमारा कंगन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सभी? आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया जी हमें कंगन बनाना सिखाइए, तो आज मैं आपको कंगन बनाना सिखाता हूँ, जो कि मैं बना रहा हूँ नीले रंग में, जो कि अपने कृष्ण कन्हैया को और सबसे ज्यादा राधा रानी को नीला रंग ही पसंद है, तो इसलिए हम नीले रंग में ही बना रहे हैं। तो आज ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये तार लेना है, जो कि लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी बनाने के लिए आता है। ये आपको जो भी सिलाई का सामान बेचते हैं, बुकरम, रील, लेस वगैरह, जो भी इस तरह के आइटम बेचते हैं, सेल करते हैं, उनके पास ये वायर आसानी से मिल जाती है। हमने ये टुकड़ा कट कर लिया है, जो कि हम देखो मैंने बड़ा ही कट किया, देखो कंगन तो इसमें आसानी से बन जाएगा, मैंने फिर भी बड़ा ही कट किया है ये, तो अपने हिसाब से आप इसको कट कर लेना। और एक ये कंगन लेने हैं, ये भी उसी दुकान पे मिल जाती है, रॉ मटेरियल वाली शॉप पे। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ये 1 रुपए के 2 पीस आए हैं। और ये नीले रंग के मोती हैं, गोलिये भी नहीं शॉप पे मिल जाते हैं, वजन के हिसाब से मैं इसको इस पे रख दूंगा। कंगन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से मोड़ लेंगे, प्रॉपर वायर को हमने इस तरह मोड़ लिया है। अब हम इसमें दोनों साइड से पतले पतले मोती ऐड करेंगे, ये हमने 6 ऐड करने हैं। दोनों साइड 6 ऐड हो गए हमारे, देखो कुछ ऐसा दिख रहा अभी। और इसके बाद हम इसमें एक हमारा ये स्टोन ऐड करेंगे, जो इसमें छेद होते हैं, इन छेद में से हम इस तार को क्रॉस करेंगे, तो हमारा ये स्टोन बोल सकते हैं आप इसको, स्टोन इसके अंदर डल चुका है, डल के अब हम फिर से इसमें 2-2 मोती ऐड करेंगे नीले रंग के, 2 भी कर सकते हैं आप, 3 भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी डिजाइन आपने बनाना हो वैसा आप डिजाइन इसमें बना सकते हैं। मैं अभी 2-2 ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा शो करनी है ना हमने, ये चमक दमक वाली, इसलिए देखो 2 बहुत हैं, 2 नहीं शायद 3 ठीक रहेंगे, क्योंकि बीच में हल्का सा गैप भी होना चाहिए ना इनके, तो इसलिए हम 3 ऐड कर देंगे इसमें, हमने 3 ऐड कर दिए, 3 देखो अब थोड़ा सा गैप हो गया ना, तो जो दूसरा आएगा ना उसके बीच में हल्का सा तो गैप चाहिए। अब हम इसको भी अब हम इसी तरह तार में से क्रॉस कर लेंगे, तो ये तो बड़ी जल्दी हो गया क्रॉस, देखो इस तरह, तो इस तरह बीच में हल्का सा स्पेस भी हो गया है ना, ये आप ये स्पेस नहीं करना चाहते तो आप 2 मोती भी डाल सकते थे इसमें, परंतु थोड़ा हल्का सा स्पेस अच्छा लगता है। अब हम इसमें और 3 बार फिर से ऐड करेंगे, हमने अब फिर से 3 ऐड किए हैं, अभी हम फिर से ये ऐड करेंगे, देखो हमारा कुछ इस तरह का लग रहा ना कंगन, अभी हम इसमें और ऐड कर देते हैं। अभी देखो ये 3 डले हैं ना, आप इसको यहीं पे भी ख़त्म कर सकते हैं, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, मैं बना रहा हूँ ये अपने 10 नंबर के ठाकुर जी के लिए, तो मैं इसमें और भी ऐड करूँगा। मैंने इसमें 6 स्टोन ऐड कर दिए हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हमने 6 छोटे मोती डाले हैं, फिर हमने 1 बड़ा स्टोन डाला, फिर 3, फिर बड़ा, फिर 3, फिर बड़ा, फिर 3, फिर बड़ा, फिर 3 छोटे, फिर 1 बड़ा, फिर 3, 1 बड़ा, फिर हमने 6 डाले, जो कि लास्ट में किया था ना हमने। जितना बड़ा भी हमने कंगन बनाना है, इस प्रकार आप मोड़ के देख लीजिए, अपने ठाकुर जी के हाथ पे लगा के देख लीजिए, जितना बड़ा भी आप कंगन बनाना चाहते हैं तो वैसा आप इसको वहीं पे रोक सकते हैं। मैं बना रहा हूँ ये 10 नंबर के लिए, इसलिए मैंने बड़ा बनाया है, आप छोटा भी बना सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 1 को भी यूज कर सकते हैं। तो अब मेन काम है हमारा लास्ट का, जो ऐसे खींच लेना ये
यानी खींच लेना, जैसे टाइट हो जाए ना, ये टाइट हो जाए। उसके बाद हमने पता कैसे मोड़ना है तार को, देखो ये दो तार हैं, अभी एक तार ऐसे किया और ऐसे घुमा लिया, इसके घुमा लिया ना तार, और इसी तरह दूसरा तार है इसको भी हम इसी तरह घुमा लेंगे, देखो घुमा लिया ना तार इस तरह। अब हम क्या करेंगे, जो ये तार है ना जो इसके घुमा के लेके आए हैं, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। देखो ये यहाँ से कट कर दिया ना हमने, तब यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये जो तार है ना अभी इसको हम मिला देंगे इसमें, इस प्रकार मिला दिया है। अब हम सेम इसी तरह दूसरे तार को भी कट करेंगे, तो यहाँ पे मिलाने के बाद इस तार को भी यहाँ से कट करेंगे। कैंच पतला तार होता है, कैंची के साथ आसानी से कट जाता है। देखो ये भी इस तरह मुड़ गया है, दोनों एक दूसरे में अटैच हो गए हैं और हमारे ठाकुर जी को भी नीचे चुभेंगे। तो हमारे यहाँ से कवर हो गया है, हमारा कंगन तैयार हो चुका है। अब हम इसको ऐसे मोड़ देते हैं और अपने ठाकुर जी को पहना के देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो हमारा कंगन कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और ये वाले जो ये कंगन है पहले वाले जो कि गोलू जी ने पहले धारण कर रखी है, ये मैं 150 रुपए के लेके आया था, बहुत महंगी है। परंतु ये जो अपना तैयार हुआ है, एक कंगन अपना तैयार हुआ है सिर्फ 5 रुपए में, 5 रुपए में एक कंगन तैयार हो गया, यानी कि 2 कंगन 10 रुपए के। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसलिए हम इनको 2 इकट्ठे पहना देते हैं तो और भी अच्छा लगेगा। आपको ये कंगन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको समझ आए हैं कंगन कैसे बनते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।